नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। खबर आ रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के भदासना महर्षि दयानंद सरस्वती लॉ कॉलेज में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के सहयोग से दिव्यांग बच्चों को कॉलेज के प्रांगण में निःशुल्क 50 बच्चों को ट्राईसाइकिल, 20 बच्चों को व्हीलचेयर, 113 बच्चों को बैसाखी, 60 बच्चों को कृत्रिम अंगों के लिए चयन कर वितरण किया गया। कैंप का उद्घाटन विक्की ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भाज्यूमा, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव द्वारा किया गया। इस कैंप का संचालन कर रहे रामकिशोर लोधी ने बताया कि हर साल इस कॉलेज में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान द्वारा गरीब और विकलांग बच्चों को मुफ्त में हाथ पैर कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, इन सभी का मेजरमेंट द्वारा चयन कर विकलांग बच्चों को सामान वितरण किया जाता है। इस कैंप में दुर्गपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, आकाश दिवाकर, देवीलाल चिरागली, जय सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रमुख साहब, आज आपके द्वारा फीता काटा गया है, क्या शुभारंभ किया है और क्या कार्यक्रम है आज और विकलांगों को क्या कुछ सौंपा जा रहा है? आज आदरणीय ठाकुर रामवीर सिंह नेताजी के भदासना स्थित कॉलेज पर ये हेल्पेज इंडिया और नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से एक विशाल दिव्यांग जनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में दिव्यांग भाई बहनों की शल्य चिकित्सा के लिए भी यहाँ पर चिन्हांकन किया जा रहा है और उनको सहायक उपकरण भी यहाँ पर व्हील चेयर, ट्राई साइकिल और अन्य प्रकार के सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हेल्पेज इंडिया के माध्यम से भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और दवाइयाँ, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। कितने बच्चों को यहाँ इस कैंप के माध्यम से विकलांग बच्चों को उपहार दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अगर आपने बताया? अभी ये कैंप शाम 4 बजे तक चलेगा और जितने भी यहाँ पर पात्र जो दिव्यांग होंगे उनका चयन किया जाएगा। जितने भी पात्र व्यक्ति आएंगे सभी को यहाँ पे सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। अभी लगभग 25 जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनका चिन्हांकन कर लिया गया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2 तारीख को इसी प्रांगण में एक विशाल विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, तो आपके माध्यम से मैं सभी जनता से अनुरोध भी करूँगा कि यहाँ 2 तारीख को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उस विशाल स्वास्थ्य शिविर का भी लाभ उठाएं। ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी नेताजी के नेतृत्व में होता चला आ रहा है? देखिए, आप जानते ही हैं कि नेताजी के नेतृत्व में मुरादाबाद और रामपुर और अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्य कराए जाते रहे हैं। कुछ समय पहले भी लगभग 3 माह पूर्व भी दिव्यांगों के लिए 10 विभिन्न कैंपों का आयोजन किया गया था और हज़ारों की संख्या में दिव्यांग भाई बहन से लाभान्वित भी हुए थे। अभी भी ये 10 कैंप आयोजित किए जाने हैं जिसमें कि 2 कैंप मुरादाबाद में लगाए जा चुके हैं और 1 कैंप हमारा कुनरकी में आयोजित किया जाना है कल और यहाँ पर 2 तारीख को विशाल एक शिविर लगेगा। ठीक, चीज़ें
ठीक है।